Hello children, greetings. I hope you all are doing well at your home and follow the safety rules regulated by the government. Well, today we will recite a poem, First Day at School. First Day at School. First, मतलब पहला दिन. स्कूल का पहला दिन है. यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने स्कूल में पहले दिन आता है, तो वो कुछ बातें उसके दिमाग में आती है जो इस पोयम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बच्चा क्या सोचता है. इवन जब आप भी पहले दिन स्कूल आते हो तो आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती होंगी कि अगर आज हम स्कूल जाते हैं तो क्या हमारे नए दोस्त बनेंगे, स्कूल में जाने पे कौन सा टीचर हमें मिलेगा, क्या हमें गेम्स खेलने को मिलेंगे. तो ऐसे आप भी सोचते हो, सेम उसी तरीके से ये बच्चा भी कुछ बातें सोचता है जो इस पोयम में हमें सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा. तो पहले हम इस पोयम को रिसाइट करेंगे. आपको मेरे साथ इस पोयम को रिसाइट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स. ओके, वंस अगेन. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Once again, we will recite the poem. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. So children, यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या सोचता है? लेट्स एक्सप्लेन. वंडर, वंडर का मीनिंग होता है सोचना. आई वंडर मतलब बच्चा सोच रहा है, मैं सोचता हूँ. इफ माई ड्राॅइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, जो मेरी ड्राॅइंग है क्या वो उनके जैसी अच्छी होगी या उनसे भी अच्छी होगी. बच्चा क्या सोच रहा है, जो उसकी ड्राॅइंग है वो बाकी बच्चों की तरह होगी या उनसे और भी अच्छी होगी. आई वंडर If they will like me or just be full of stares. Stares, नया वर्ड है बेटा. आपने स्टार सुना होगा, स्टार, S-T-A-R, स्टार. आपने स्टार देखा भी है, कहाँ देखा है स्टार? या स्काई में हमने स्टार कहाँ देखा है? इन द स्काई. नो, स्टेयर्स, बट हेयर इट इज स्टेयर्स. स्टेयर्स मीन्स होता है घूर के देखना. कैसे देखना? घूर के देखना, ये बड़ी बड़ी आंखें करके देखना. हाँ, तो बच्चा क्या कह रहा है कि जो उसके दोस्त हैं क्या वो उसे पसंद करेंगे या फिर उसे घूर के देखेंगे. क्यों? क्योंकि बच्चे का तो पहला दिन है. अब बच्चा पहले दिन जाएगा तो क्या उसके दोस्त बनेंगे, तो उसे पसंद करेंगे या फिर उसे घूर के देखेंगे. आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मम और ग्रैंड. बच्चा ये सोचता है कि क्या जो उसके टीचर होंगे वो उसकी माँ के जैसे होंगे या फिर उसके ग्रैंड. ग्रैंड मतलब दादी, मॉम मतलब मम्मी और ग्रैंड मतलब दादी. बच्चा ये सोचता है कि जो उसकी टीचर होंगे वो कैसे होंगे, माँ के जैसे होंगे या फिर दादी के जैसे होंगे. आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम. ये सोचता है कि क्या मेरा जो पपी है, यू नो वॉट इज पपी, या कुत्ते के बच्चे को हम पपी कहते हैं. तो यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या मेरा जो पपी है वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ हूँ. यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बच्चा जो है वो पपी से भी बहुत प्यार करता है. बच्चा क्या है, पपी से प्यार करता है, यानी कि बच्चे को एनिमल में काफ़ी इंटरेस्ट है. ओके, नाउ वंस अगेन जो हार्ड वर्ड है मैं आपको उसको सर्कल करता हूँ, आप उसे फिर से देखें बेटा. ओके, सो हेयर इट इज वंडर. स्पेलिंग इज WONDER. वंडर मतलब सोचना. एंड स्टेयर्स, S-T-A-R-E,
एस स्टेस मीन्स घूर के देखना, ग्रैन ग्रैन मतलब दादी, ओके। सो हेयर थ्री वर्ड्स आर देयर। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट दिस पोयम इन योर कॉपी एंड सेंड इट टू मी, ओके। थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड टेक केयर चिल्ड्रेन एंड स्टे एट योर होम ओनली, ओके। बाय चिल्ड्रेन, मीट यू सून।